सलाम। मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज लाइफ गुजारने वाले लोगों के बारे में और एक उन लोगों के बारे में जो एक कंफर्ट जोन बना के बैठे हैं अपने इर्द गिर्द। वो कंफर्ट जोन जिसकी वजह से लोग अपनी सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे, लोग ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की तरफ नहीं जा रहे। और इस कंफर्ट जोन को जो लोग इस कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो लोग एवरेज लाइफ गुजारने में अपने आप को मुतमईन समझते हैं, ये तमाम लोग स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाकाम हैं, ये कामयाब लोग नहीं हैं। इनको कामयाबी के लिए अगर इन्होंने सक्सेस हासिल करनी है, इन्होंने कामयाबी हासिल करनी है, तो इनको अपनी जिंदगी में वो भैंस ढूंढनी पड़ेगी जो भैंस इनको नाकाम कर रही है, और उस भैंस को अगर इन्होंने कामयाब होना है तो चट्टान से गिराना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के लिए वो भैंस भी हम लोग इंशाल्लाह ताला ढूंढेंगे जो एवरेज लाइफ गुजारने वालों की जिंदगी में होती है, और वो कंफर्ट जोन जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द बनाया होता है, उस कंफर्ट जोन को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक एक, एक जो चीजें होती हैं वो चीजें हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह ताला आज के प्रोजेक्ट में। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, एक स्टोरी की सूरत में इंशाल्लाह ताला आपको बयान करते हैं। ये बड़ी लाइट सी, स्वीट सी, प्यारी सी एक स्टोरी है जिसको मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग इसमें सब कुछ समझ जाएंगे कि कैसे हम जिंदगी में एवरेज लोगों को कामयाब कर सकते हैं। वो लोग जो अपने गिर्द एक सर्कल बना के बैठे हैं कि हमने इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना, और उस सर्कल को हम तोड़ेंगे कैसे, कैसे तोड़ सकते हैं अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, कैसे तोड़ सकते हैं अगर हमने इसमें सक्सेस हासिल करनी है। एक सिंपल सी स्टोरी है जी कि एक बूढ़ा शख्स था, वो अपने बेटे के साथ सफर के लिए निकला। सफर करते करते उसको रात पड़ गई, तो काफी रात में जो उसने देखा जनाब, एक खेतों से गुजरा, तो काफी बड़ा खेत था, लेकिन वो खेत ऐसे था कि लग रहा था कि उसका मालिक उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करता क्योंकि उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके जो खेत था उसके बीचों बीच एक ना झोंपड़ी नुमा घर था। उसका दिल किया कि वहां से पानी पी ले, कुछ अपना रेस्ट कर ले ताकि अपने अगले सफर के लिए वो अपनी ताकत कठी कर ले। तो इसके लिए उसने दरवाजा नॉक किया, ठक ठक ठक। जब उसने दरवाजा नॉक किया बूढ़े शख्स ने, तो अंदर से कोई अधेड़ उम्र आदमी ने बोला, जी कौन? वो बाहर बूढ़ा शख्स कहता है कि आई वांट हेल्प। तो वो बाहर आया, उसके साथ वो अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया, उसके साथ दो तीन बच्चे थे। तो वो बच्चे भी, उन्होंने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, कोई खराब से कपड़े, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। तो वो बूढ़े शख्स ने उससे कहा कि मैं मुसाफिर हूं, रस्ते से गुजर रहा था तो प्यास लगी तो देखा आपका घर है। वो उधेड़ उम्र शख्स कहता आ जाए प्लीज। उसको अंदर बैठाया, उसकी मेहमान नवाजी के लिए उसको पानी दिया। उसने, बूढ़े शख्स ने उसके बेटे ने पानी पिया और उसकी शक्ल देख के कहा कि ये जो खेत आपके साथ है ये किसका है? उसने कहा जी ये खेत हमारा है, हमारा। तो उसने कहा अगर आपका है तो ये इस हालत में क्या, आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? इतना बड़ा खेत है आपका, मतलब कि इतनी बड़ी जागीर है, खेत है, उसमें अगर आप कुछ करें। वो बूढ़ा, वो उधेड़ उम्र शख्स कहता है जी बस वो खेत है हमारे पास, तो हम उसमें थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो ज्यादा काम नहीं करते ताकि अपनी बस गुजर बसर हो जाए। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है उस खेत से तो नहीं पता चलता कि आपका गुजर बसर हो रहा है। तो वो उधेड़ उम्र शख्स जो था उसने कहा जी हमने एक भैंस रखी हुई है, उस भैंस का दूध चोते हैं, कुछ दूध हम बेच के कुछ पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध जो है वो हम बच्चों के लिए रख लेते हैं जिससे हम अपना जिंदगी का गुजर बसर कर लेते हैं, बस हमारी लाइफ ठीक है, साथ बस गुजार रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है हमारी। वो बूढ़ा शख्स हैरान हुआ और उसने कहा कि ये इतना बड़ा खेत छोड़ के एक भैंस के साथ जिंदगी गुजार रहे हो? तो वो मतलब ये है कि वो बूढ़ा शख्स आपको बता रहा है कि आपके आगे जिंदगी एक बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, एक बहुत बड़ा टारगेट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पड़ी है, आप सारी अचीवमेंट, सारी जिंदगी और सारे टारगेट्स को छोड़ के बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट पकड़ के, बस मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, एवरी लाइफ गुजर रही है, थोड़ी सी सैलरी आ रही है, थोड़ी सी कमाई हो रही है, बस मैं ठीक हूं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अपनी कंफर्ट लाइफ बस ठीक है, उसके बाद कोई काम नहीं करना, चैलेंजेस कबूल नहीं करने, कोई हार्ड वर्किंग नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितनी भी स्टोरी है, स्टोरी के हर लफ्ज में इतनी इतनी पीछे बैकअप है। कैसे है? वो बूढ़ा शख्स कहता है कि ये इतना बड़ा खेत आपका और आप ये छोटी सी जिंदगी। कहता है बस मैं खुश हूं, बस ठीक है, बस गुजर बसर हो रहा है हमारा।
वो बुढ़ा शख्स कहता है जी कि मैं अपने बेटे से कहता है बेटा आज रात हम यहीं रुकेंगे, अधेड़ उम्र शख्स, आज अगर आप हमें यहाँ पे रहने दें थोड़ा तो हम सुबह निकल जाएंगे। वो अधेड़ उम्र शख्स कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं रुके आप यहाँ पे। वो बुढ़ा शख्स वहीं पे रुक जाता है, रात गुजारता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। देखिए ये भी एक अच्छी चीज होती है कि आपने अगर आप लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते ना, कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके लिए बुरा भी ना करें, और अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं उनको दे के जाएं। वो बुढ़ा शख्स हैरान था मैं क्या करूं क्या करूं। आधी रात हुई है, वो बुढ़ा बच्चों सोया नहीं है और सोच रहा है, और सोचते सोचते आधी रात में अपने बेटे को कहता है बेटा उठो कम ऑन हरी अप चलो। वो बाप बेटा कहता है बाबा कहाँ। वो कहता है चलो हमने जाना है आज रात ही निकलना है। वो कहता है बेटा बाबा क्यों जाना है। वो कहता है बेटा चुप कर जाओ, हमने यहां से निकलते हुए इसकी भैंस को चिटान से गिरा कर जाना है। वो बच्चा बड़ा परेशान हक्का बक्का बाप से कहता है बाबा। बेटा कहता है बाप कहता है चुप कर जा, कोई जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ बस डू व्हाट आई एम सेइंग यू। बेटा कहता है यस बॉस, यस बाबा, यू आर माय बॉस, यस ओके। वो जनाब निकलते हैं दोनों, वो अधेड़ उम्र शख्स की भैंस पकड़ता है, चट्टान से गिरा देते हैं, भैंस गई पानी में। मतलब वो भैंस, वो बूढ़ा शख्स क्या करता है, वो भैंस पकड़ लेता है, वो नोट कर लेता है कि यही एक वो रुकावट है जो इस शख्स की कामयाबी में रुकावट बनी हुई है, यही वो रुकावट है जिसको दूर किया जाए तो ये बूढ़ा शख्स, ये अधेड़ उम्र शख्स कामयाब हो सकता है, ये कामयाबी हासिल कर सकता है, सक्सेस हासिल कर सकता है। इसमें वो कुछ जो कुछ इसके अंदर है ये रुकावट दूर होगी तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसको आश्कार हो जाएगा कि जी मैं काम कर सकता हूं। इसको इस उधेड़ उम्र शख्स को पता चलेगा मेरे अंदर क्या है, इस उधेड़ उम्र शख्स को पता चलेगा कि क्या कर सकता है वो। लेकिन जब तक वो भैंस नहीं मरेगी ना, वो कंफर्ट जोन नहीं टूटेगा, उसकी एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट जो उसके दिमाग में है कि मैंने ये लाइफ ऐसे गुजारनी है, वो खत्म नहीं होगा। बस वो बाप बेटा निकलते हैं, बूढ़ा शख्स और उसका बेटा, उसकी भैंस को चिटान से गिराकर बस भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। जब वो उधेड़ उम्र शख्स सुबह उठता है, कहता है, रोता है, बिलबिलाता है, मेरी भैंस गई, मर गई। वो एक दो दिन परेशान रहते हैं, जो पैसे उन्होंने उसके दूध से कमाए होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, पैसे कम होना शुरू हो जाते हैं। बूढ़े उधेड़ उम्र शख्स को पता होता है कि जनाब बस हमारी बस आज कल दो चार दिन दस दिन पंद्रह दिन उसके बाद हम बड़ा मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। उसको किसी ने मशवरा दिया कि इसके बीज ले आओ, इतना बड़ा खेत है उसमें हल चलाओ, मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो, पसीना निकालो, उस हल जोतोगे ना तो वहां से कुछ हासिल होगा। वो उधेड़ उम्र शख्स वो ऐसे ही करता है, जब भैंस चलेगी ना उसकी कामयाबी की कंफर्ट जोन जो था उसका टूट गया है, जब वो टूटा तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा है। बाहर क्या थे चैलेंजेस, बाहर क्या थे हार्ड वर्किंग, बाहर क्या था मेहनत, बाहर क्या था कामयाबी की कुंजी, क्या थी हार्ड वर्किंग करो ना। उसने हल जोता, उसने मेहनत की, उसने बीज दबाया, उसके बाद वो बूढ़ा अधेड़ उम्र शख्स जो था वो कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो गया। जब वो दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो बूढ़ा शख्स एक वक्त आया वो इस दुनिया से चला गया, उसका जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान हो गया तो कई साल बीत जाने के बाद उसमें वो पछतावे का आंसर नहीं निकला। उसने कहा कि वो मेरे बाप ने उस शख्स की भैंस को चट्टान से गिरा दिया था, भैंस को चट्टान से गिरा दिया था, वो क्यों, पछतावा नहीं निकला। वो जवान शख्स जो था वो कामयाब इंसान बन गया और उसके जहन में वो पछतावा नहीं निकला। वहां से निकलता है, फिर वो देखता है कि जनाब उसी जगह ढूंढू, पूछता पछाता वो देखता दिखाता, वो उसी जगह पे वो उसी 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 सराउंडिंग में पहुंच जाता है, देखता है जनाब वहां पे तो खेत ही कोई नहीं है, देखता है फूलों और फलों का एक बड़ा सा बाग लगा हुआ होता है जिसमें खचाखच बाग में फूल ही फूल, पत्ते ही पत्ते, और उसमें बेतहाशा फल लगे हुए हैं। वो देखता है, हैरान रह जाता है, कहता है काश वो शख्स जो जिसकी हमने भैंस मार दी थी, लगता है वो चला गया यहां से। लेकिन क्या देखता है, उसके बीचों बीच उसके फूलों के बाग के बीचों बीच एक जबरदस्त सा आलीशान सा एक घर बना होता है। वो देख के हैरान कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा तो गया, क्योंकि वो तो इतना काबिल नहीं था, वो तो इतनी मेहनत नहीं करता था,
वो तो इतना हार्ड वर्कर नहीं था, वो तो कुछ नहीं कर सकता था, दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, उसकी तो सारी की सारी जमा पूंजी और तमाम की तमाम उम्मीदें दुनिया में इस भैंस के साथ थी जिसको उसके बाबा ने चट्टान से गिरा के मार दिया था। मतलब वो पछतावा था कि बाबा ने शायद कोई गलत काम कर दिया, लेकिन उसके बाप को पता था कि जब तक ये भैंस नहीं मरेगी तब तक ये मेहनत नहीं करेगा, ये हार्ड वर्किंग नहीं करेगा, ये चैलेंजेस कबूल नहीं करेगा, ये कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा, जो इसके अंदर है उसको बाहर नहीं निकालेगा। वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखिए, जरूरत इजाद की मां होती है। जब उसको जरूरत पड़ी कि उसने अपने बच्चों को पालना है, उनके मुंह में निवाले डालने हैं, उनको भूखा प्यासा नहीं मारना, तो उसने मेहनत की है, उसने हार्ड वर्किंग की है, उसने चैलेंज कबूल किया है, उसने मेहनत की है, उसने फूल और उसने फल लगाए हैं, दरख्त बनाए हैं, उसने उसके बाद उसने रिजल्ट लिया है। जब वो नॉक करता है फिर दोबारा उस बड़े से आलीशान घर को, वो जवान कामयाब बच्चा उसको नॉक करता है, ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आती है, हु इज देयर, कौन है? थोड़ी देर बाद वो हिचकिचाता हुआ वो जवान कामयाब लड़का, बूढ़े बाप का जो बेटा था, वो कहता है, आई वांट टू हेल्प फ्रॉम यू प्लीज। वो उधेड़ उमर शख्स बाहर आता है सूटेड बूटेड, तो आता है तो कहता है, और वो जी बताएं, और वो कामयाब जवान बच्चा देख के हैरान रह जाता है, ऐसे सत्ते में उसको देखता है, ये तो वही है जिसको हम उस झोपड़ी में मिले थे। हैरानगी से उसको देखता, कहता है, आपने मुझे पहचाना नहीं लगता। तो वो उधेड़ उमर शख्स कहता है, नहीं मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो कहता है, मैं वही हूं जो एक बूढ़े शख्स के साथ आया था एक दिन रात को, आपकी वो झोपड़ी नुमा घर था आपका, खेत खलियान थे जो इतना ज्यादा काम नहीं, आपका एक भैंस रखी। वो फौरन चौकस होता है, चौकन्ना हो जाता है वो उधेड़ उमर शख्स, कहता है, हाँ मुझे याद आया, आप आए थे लेकिन आप तो बगैर बताए चले गए, बस उस दिन एक अनहोनी हुई थी कि मेरी भैंस जो थी ना उसको कोई चट्टान से गिरा के मार गया। वो जवान कामयाब लड़का थोड़ा सा परेशान होता है, परेशान होकर सोचता है इसने अब भैंस मरने के बारे में बात करनी है। साथ ही वो अपनी बात जवान कामयाब बंदा जो था ना उधेड़ उमर का बदल देता है। वो कहता है कि वो मेरी उस दिन भैंस मर गई, उसके बाद हमने फसल बीजी, फसल अल्लाह के फजल से हमें काफी अच्छी हो गई, हमें काफी रुपया पैसा मिल गया, वहां से किसी ने मशवरा दिया कि आप फलों के दरख्त लगाएं, एक बाग बनाएं। हमने क्या किया, फलों के दरख्त लगाए, बाग बनाए, मेहनत की, सारा कुछ किया, पानी लगाया, फिर छोड़ दी, मेहनत लगा के छोड़ दिया कि अब इसका रिजल्ट ऊपर वाला देगा। दिया अल्लाह ने दिया। तो वो जनाब कहता है कि उसके बाद हमारे खेत खलियान भी फूले, हमारे फलों के बाग भी फूले, और हम एक माशाल्लाह जबरदस्त इनकम आना शुरू हो गई हमें। जब वो जबरदस्त इनकम आई तो आज हमारी ये हालत है, हम कामयाब हैं। तो वो बूढ़ा शख्स का बेटा जो था वो हैरानगी से देखता जाता और सोचता है, ओह माय गॉड, मेरे बाप ने कितनी दूर की सोची, वो जो अगर वो मेरा बाप इसकी भैंस ना मारता, भैंस चट्टान से ना गिराता, तो आज ये शख्स कामयाब ना होता। अगर वो मेरा बाप उस भैंस को ना गिराता तो आज ये शख्स वहीं पे लगा होता, दूध चोता, पैसा कमाता, कुछ खाता पीता और अपने कंफर्ट जोन में एवरेज लाइफ गुजारता। नहीं बाबा नहीं, यही चीज थी, इसी को खत्म किया था उस स्कॉलर ने। He was also a scholar. वो बूढ़ा शख्स एक स्कॉलर था, उसको अता थी ऊपर से कि जनाब इसकी आपने कैसे खत्म करनी है, वो भैंस को कैसे मारना है। उस बूढ़े शख्स ने उस भैंस को मारा, उस उधेड़ उमर शख्स को कुछ करने का मौका मिला और उसने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया। वो उसी इसी तरह ये अभी ये बंदा सोच रहा था, तो वो जनाब वो कहता है उधेड़ उमर शख्स, उसके बाद क्या था कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं वो ये काम ना करता, मेरी भैंस ना मरती, तो आज मैं इतनी मेहनत ना करता, मैं इतना कामयाब शख्स ना बनता। तो वो कहता है कि जी मैं अपना सारा क्रेडिट इसी चीज को देता हूं कि मेरी भैंस मर गई और उसके बाद मुझे मेहनत करने का मौका मिला और मुझे जो कुछ मेरे अंदर था वो मैंने बाहर निकाला, जो चैलेंजेस, जो मैं कुछ कर सकता था वो मैंने किया और मैं कामयाब हुआ। तो इसीलिए मैं आप सबको ये सबक देता हूं कि अपने अंदर उस भैंस को ढूंढें जो भैंस आपको एक कंफर्ट जोन में रखती है, उस एवरेज लाइफ को गुजारना आप खत्म कर दें। अगर आप एवरेज लाइफ को गुजारना खत्म कर देंगे, अगर आप मुतमईन हैं अपनी एवरेज लाइफ से, तो आप नाकाम शख्स हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कामयाब होना है तो अपने एवरेज लाइफ के हिसाब से बाहर निकलें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए आपको उस भैंस को चट्टान से गिराना पड़ेगा।
अगर आप इस चट्टान उस भैंस को ढूंढ सकते हैं तो गुड, अगर नहीं ढूंढ सकते तो बेफिक्र हो जाएं, स्लीप वेल और नाकामी की जिंदगी सो जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कामयाब होना है तो देखें सुबह दोपहर शाम कोई टाइम जाया किए बगैर सोचें कि वो भैंस क्या है, वो कौन सी चीज है जो आप कंफर्ट जोन में रखे हुए है, वो कौन सी चीज है जो आपको एवरेज लाइफ गुजारने पे मजबूर कर रही है, वो कौन सी चीज है जिसने आपको इस हसार में कैद कर दिया है कि आपने इस एवरेज लाइफ से बाहर नहीं निकलना। अगर आप इस एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस हसार को तोड़ना चाहते हैं, तो उस भैंस को ढूंढें। उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको नाकाम बनाती है, उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको कामयाबी के रास्ते हटाती है, उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको सक्सेस के रास्ते से दूर ले जाती है और कहती है इस कंफर्ट जोन में रहो, मेहनत ना करो। उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको मेहनत करने से रोकती है, उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको डेडिकेशन, लगन और हार्डवर्किंग से रोकती है, उस रुकावट का नाम भैंस है जो आपको कामयाबी के रास्ते से दूर ले जाती है, जो आपको कामयाबी के रास्ते पे बैठी हुई है। आपने उस भैंस को चट्टान से गिराना है और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ हूं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जितनी हमने बातें की हैं, हम लोग मजबूर होते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम जो है ना एक छोटी सी स्पीच कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जितने जुमले आपको बताए हैं, जितनी आपको स्पीच की है, ये जितना आपको बताया गया है, इस सब के सब में हर जुमले में एक नई सतर निकलेगी, हर जुमले में एक नई जहत निकलेगी, हर जुमले में एक नया जमाना निकलेगा, हर जुमले में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक नई स्पीच जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको कामयाब बनाने के लिए आगे लेके जाएगी, जो आपको इंशाल्लाह ताला तरक्की की और बुलंदियों के जीनत तय करवाएगी। इस YouTube चैनल पे हम मजबूर होते हैं कि 8-10 मिनट की स्पीच करें। इंशाल्लाह विद इन फ्यूचर हम लाइव भी जाया करेंगे, लाइव प्रोग्राम भी करा करेंगे, और अगर हमें कुछ अच्छा रिस्पांस और अच्छा रिस्पांस मिला तो इंशाल्लाह हम आधे घंटे पौने घंटे के जो प्रोग्राम हम सेमिनार में करते हैं, जो प्रोग्राम हम स्कूलों में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हैं, तो होप सो इंशाल्लाह वो भी हम इसको अपलोड करेंगे। लेकिन आज की हद तक यही जो आपको मैंने डिलीवर किया है, तो अगर आपको ये प्रोग्राम मेरा आज की सीरीज का कि एवरेज लाइफ गुजारने वाले और कम्फर्ट जोन में रहने वाले लोग नाकाम लोग हैं और या नाकामी की तरफ जा रहे हैं, वो अल्टीमेट बात है कि वो सक्सेसर नहीं है। एवरेज लाइफ गुजारने वाले और कंफर्ट जोन में रहने वाले सक्सेसर नहीं है। आप लोगों को सक्सेसर बनना है तो आपको भैंस को चट्टान से गिराना पड़ेगा। आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इसमें कमेंट करें, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि इसमें मेरा क्या फीडबैक है। उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे आ रहा है, स्लाइड बार आ रही है, जिसमें आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये सब्सक्रिप्शन जो है यही तो मेरी मोटिवेशन है, और इसके साथ एक बेल आइकॉन लगा हुआ, उस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उसकी इंटीमेशन मिल जाए।